मेरा नाम पॉलिन शर्मा है और मैं आपको आज थायराइड के बारे में बताना चाहती हूँ। आपको दवाई कब लेनी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसमें जो हार्मोन्स हैं वो जब अंडर एक्टिव होता है, अंडर एक्टिव का मतलब है कि वो पूरी तरीके से काम नहीं करता, जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, थायराइड है वो अंडर एक्टिव है, और जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो डिसरप्ट हो जाता है। मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं कि जो भी हम चीज खाते हैं या पीते हैं वो कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इंडिया में मेटाबॉलिज्म कहते हैं तो मैं मेटाबॉलिज्म कहूंगी, अमेरिका में मेटाबॉलिज्म कहते हैं और इंडिया में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इंडिया में हर 2600 प्लस बर्थ में एक बच्चे को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है वहाँ पे, क्योंकि टेस्टिंग की सुविधा नहीं है, लोगों को पता नहीं होता, वहाँ पे कस्टम्स बहुत हैं, जो रिचुअल्स हैं 40 दिन का रिचुअल और बाकी और रिचुअल्स, स्पेशली जो गांव में हैं, जो कस्टम्स को फॉलो करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं जब बच्चा पैदा होता है, तो अनलेस के बच्चे में बहुत ही ज़्यादा इशू हो या बहुत ही ज़्यादा आपको दिखाई देता है, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म राइट अवे आपको दिखाई नहीं देगा। तो और टेस्टिंग की सुविधा भी नहीं है इंडिया में इतनी ज़्यादा बच्चों के लिए, तो ठीक है, पर जो पढ़े हुए लिखे नहीं हैं, जो गाँव में हैं, उन लोगों को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। बीमारी कब तक रहती है, ये बीमारी लाइफ लॉन्ग बीमारी है, ये एक दफ़ा हो जाती है तो आपके जीवन साथी बन जाता है एक तरीके से, ये बीमारी बहुत ज़रूरी है कि आप इसका इलाज करवाएं। इसका ट्रीटमेंट या इलाज नहीं कराया गया तो हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, नर्व इंजरीज हो सकती हैं, इनफर्टिलिटी हो जाती है ना? इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे मैनेज किया जाए, बहुत ट्रिकी है मैनेज करना। इसका ब्लड टेस्ट कराते हैं, TSH जो ब्लड टेस्ट है उससे मालूम पड़ता है कि जो हमारा थायराइड है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और एक दफ़ा इसका डायग्नोसिस हो जाता है, डॉक्टर आपको बता देता है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो आपको लेना चाहिए और आपका जो ब्लड टेस्ट है वो हर साल कम से कम साल में एक दफ़ा ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि जो आपको दवाई दी है सिंथ्रॉइड लेवोथायरॉक्सिन वो आप अगर उसका डोज किसी रीज़न से एडजस्ट करना है तो वो आपका डोज एडजस्ट किया जा सके। सिंथ्रॉइड या लेवोथायरॉक्सिन क्या है, ये एक मैन मेड हार्मोन है जो हमारे थायराइड का जो हार्मोन है उसको रिप्लेस करता है, क्योंकि हमारा जो थायराइड से प्रॉपरली नहीं बनता है क्योंकि वो कम है, क्योंकि थायराइड अंडर एक्टिव है और हार्मोन जितना बॉडी के लिए चाहिए उतना नहीं बनता है, तो आर्टिफिशियली मैन मेड हार्मोन लेने की जरूरत है सिंथ्रॉइड और या फिर लेवोथायरॉक्सिन के रूप में। सिंथ्रॉइड को कभी भी किसी दवाई के साथ या बाय इटसेल्फ वेट लॉस के लिए नहीं लेना चाहिए, वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, डेंजरस हो सकती है आपके लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा लेवोथायरॉक्सिन लेते हैं तो कमज़ोर हो जाती हैं बोन्स अंदर से, तो जब बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, इंसान जब गिरता है तो हड्डियाँ टूटने का बहुत डर रहता है, तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जब लेवोथायरॉक्सिन लेते हैं स्पेशली मेनोपॉज के बाद, तो आपकी जो बोन्स हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं, बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। एक दफ़ा ये जो दवाई जब आप शुरू करते हैं इसको कुछ हफ्ते लग जाते हैं इसका असर होने में, और एक दफ़ा आपका डोज सेट हो जाता है, आपके जो ब्लड लेवल जिस रेंज में चाहिए वो हो जाते हैं, तो आपको हर साल ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। आपका डोज ऊपर नीचे करने की ज़रूरत है अगर तो कर सकते हैं, क्या पता थोड़ा कम की ज़रूरत हो या ज़्यादा की ज़रूरत हो तो वो एडजस्टमेंट हो जाती है, मगर उसके लिए ब्लड टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। सिंथ्रॉइड कब खाएं आप, पहली बात तो यह है कि सिंथ्रॉइड सिर्फ जो आपका डॉक्टर है जो आपको ट्रीट करता है उसने जो प्रिस्क्रिप्शन दी है उसके हिसाब से आप दवाई की जो भी मात्रा है जितने भी उन्होंने बताई है, योर डॉक्टर नॉट समबडी एल्सेस डॉक्टर, ये नहीं कि
मेरा डॉक्टर या उसका डॉक्टर, किसी का डॉक्टर नहीं, आपके डॉक्टर ने जो आपको ट्रीट करता है, जो आपका ब्लड वर्क देखता है, जो आपकी हिस्ट्री जानता है, वो जो ऑर्डर करता है वो ही दवाई आपने खानी है। कितनी खानी है बहुत जरूर, आप ये नहीं कि आधी सुबह खा ले, आधी शाम को खाएं, दोपहर को खाएं, ऐसा नहीं है। वो सिंगल डोज मेडिसिन खानी है आपको, बहुत जरूरी है। खाली पेट दवाई खानी है, सुबह ब्रेकफास्ट से कम आधा घंटे से या एक घंटे से पहले आपको ये दवाई खानी चाहिए, पानी के साथ, कॉफी के साथ नहीं, चाय के साथ नहीं, प्लेन वाटर के साथ। तो इसका असर है वो एक्चुअली कई हफ्ते लग जाते हैं आपको उसका असर दिखने में, कि ये दवाई असर कर रही है आपके जो आपके सिम्टम्स हैं, कॉन्स्टिपेशन और ड्राइनेस और कावट और क्रैम्प्स, वो सब टाइम लगता है उसको। तो इसका ध्यान रखें कि आप एक गोली खाएंगे, दो तीन दिन खाएंगे तो उसका असर राइट अवे नहीं लगता, उसका लेवल मेंटेन होना चाहिए बॉडी में वो हार्मोन का, क्योंकि ये हार्मोन है, ये रेगुलर पेन किलर नहीं है, एक घंटे में दो घंटे में असर कर देगी और आप ठीक हो जाओगे। तो ये दवाई खानी, जब आप खाते हो तो इसका जो हार्मोन का लेवल है, क्योंकि ये हार्मोन है, एक मैन मेड हार्मोन है, तो उसका असर जब तक वो बॉडी में लेवल नहीं आएगा, एक्चुअल लेवल आपका, तब तक आपको असर इसका नहीं पता लगेगा, तब तक आप नॉर्मल फील नहीं करोगे। खाली पेट क्यों खानी है, क्योंकि जब हम अगर खाने के साथ खाएंगे या खाने के बाद खाएंगे तो क्या होता है, जो हमारा एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, दवाई को एब्जॉर्ब करने का जो सिस्टम है शरीर के अंदर स्टमक में, वो इंटरफेयर कर देगा, उसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आप खाली पेट दवाई खाएं। अगर आप आयरन या कैल्शियम या एंटासिड, जो माइलेंटा वगैरह वहाँ पे लेते हैं, या कोई डाइजीन वगैरह लेते हैं, जैनटेक, पेप्सिड लेते हैं, उसके साथ आप ये दवाई नहीं लेंगे, क्योंकि लेवोथायरॉक्सिन की जो एब्जॉर्प्शन आपके बॉडी में होगी वो ठीक से होगी नहीं। अगर आप कैल्शियम, आयरन, एंटासिड लेते हैं तो आप 4 घंटे का गैप रखिए। तो आप अगर आप सुबह ने आपने खा ली, सपोज करो आपने एम्प्टी स्टमक सिंथ्रॉइड खा लिया, तो आप 4 घंटे वेट करेंगे बाकी और दवाई खाने के लिए, स्पेशली आयरन, कैल्शियम और एंटासिड्स। कॉफी और कैफीन जो है वो इसका एब्जॉर्प्शन ब्लॉक करती है, तो आप ध्यान रखेंगे चाय और कॉफी ना पिए। और अगर आप कोई भी और दवाई लेते हैं ओवर द काउंटर, मतलब कि जैसे पेन किलर है, आप जाके बाजार से खरीद लेते हैं, जो डॉक्टर की प्रिस्क्राइब दवाई लेते हैं या अनप्रिस्क्राइब दवाई लेते हैं, डॉक्टर ने लिखी है आपको वो दवाइयाँ, जो नहीं लिखी, जो आप अपनी मर्जी से जाके बाजार से ले आते और खाते हो, वो दवाइयाँ अगर आप खाते हैं और आप सिंथ्रॉइड या लेवोथायरॉक्सिन खाते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि मैं ये दवाई खाता हूँ या खाती हूँ, बहुत ज़रूरी है, ताकि जब दूसरी दवाइयाँ खाते हैं वो आपके सिंथेरॉइड या लेवोथायरॉक्सिन से कंपैटिबल है कि नहीं है। अगर आप को डायबिटीज है तो मेक श्योर आप अपना यूरिन टेस्ट ओकेजनली करें और ब्लड शुगर भी करें, बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो सिंथेरॉइड या लेवोथायरॉक्सिन का जो डोज है वो एडजस्ट किया जा सके। क्योंकि अगर सपोज करो आपको पहले आपकी शुगर नॉर्मल थी और अब हाई हो गई है, या यूरिन में ज़्यादा शुगर आने लगी है, तो वो आपको डॉक्टर को बताना है, ताकि वो आपकी दवाई को एडजस्ट कर सके। अगर कोई प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीड कर रही है या प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट, वो फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको भी डॉक्टर को बताना चाहिए कि उनका ये प्लान है, ताकि वो आपकी डोज को एडजस्ट कर सकें। अगर आपके पास कोई आपको अगर कोई डेंटल सर्जरी के लिए जाना है तो आप डेंटिस्ट को तो बताएंगे, मगर आप अपने डॉक्टर को भी बताएंगे कि मेरे डेंटिस्ट के पास जाना है, मेरी ये फला फला सर्जरी है, जो भी सर्जरी आपकी अगर हो रही है
ताकि वो आपका डोज एडजस्ट कर सके। अगर आप ब्लड थिनर ले रहे हैं तो भी आपको मेक श्योर यू टेल योर डॉक्टर कि मैं ब्लड थिनर ले रहा हूँ या ले रही हूँ, और वो डोज एडजस्ट करने की बहुत ज़रूरत है उसमें भी। तो आपकी जो सिंथ्रॉइड है या लेवोथायरॉक्सिन है, इसको एडजस्ट किया जाएगा। क्या हम अपनी प्लेट्स का या अपने प्लेटर का, जो प्लेट में जो खाना होता है, उसकी इंचार्ज बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। हमें कंट्रोल चाहिए अपने ऊपर। कंट्रोल नहीं होता तो ज़्यादा मुश्किल होती है। और डाइट जो है, हम क्या खाना खाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारी बीमारियों को। इसके लिए कोई ऐसे कोई मैजिकल या स्मार्ट डाइट नहीं है जिसको हम बोलेंगे ये वो हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए डाइट है। तो हमें क्या करना है? हमें सोयाबीन से बनी हुई चीजें, वॉलनट, कॉफी, कैफीन, कैबेज, ब्रोकली, जो फाइबर्स हैं, ये चीजें जो हैं, जो फाइबर है वो एक्चुअली होता है कि आपकी जो बॉडी में एब्जॉर्ब करनी है ये चीजें, वो उसको कम करता है। लेवोथायरॉक्सिन के लिए अगर आप ग्रेप फ्रूट जूस पीते हैं या ग्रेप फ्रूट खाते हैं, तो वो लेवोथायरॉक्सिन को कम एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये चीज खाते हैं तो आप अपने डॉक्टर को बताएं ताकि वो आपका जो डोज है सिंथ्रॉइड का या लेवोथायरॉक्सिन का, वो एडजस्ट कर सके। क्या नहीं खाना चाहिए? टू अवॉइड थिंग्स टू अवॉइड फूड्स टू अवॉइड फ्राइड फास्ट फूड्स, सॉल्टी प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ट्रीट्स लाइक मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री, कुकीज, हलवे और खीर, आइसक्रीम। दारू पीना कम करें अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। कई बीमारी होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं, और जब हो जाती हैं आपको उसकी देखभाल कैसे करनी है, इसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आप ये मत कहिए कि हमें थायराइड है, हमें थायराइड है। थायराइड सबके पास है। थायराइड का जो उसमें जो हार्मोन है वो हमारे पास, जिसके पास कमी होती है, जो सिंथ्रॉइड या लेवोथायरॉक्सिन के ऊपर है, उनको अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भूल जाते हैं दवाई खाना, सुबह कितने बजे आप उठ के नाश्ता करते हैं, उससे पहले आप 1 घंटा पहले दवाई खाने का अलार्म लगा के रखें, ताकि आप वो अलार्म आप लगाएं रोजाना, और आपको रिमाइंड करेगा कि आपने ये दवाई कब खानी है, अभी खानी है जब अलार्म बजता है। आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स हैं और आपको रिमाइंडर किसी के रिमाइंड करवाने की जरूरत नहीं है। तो दिस अ गुड हैबिट। आप अलार्म लगाइए और अपनी दवाई टाइम पे खाइए। जो भी प्रॉब्लम्स ना खाने से होंगी या एक्शन से होगी तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो आप प्लीज अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, हाथ धोइए। अगेन आई होप आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा हो और आपको कुछ नॉलेज मिली हो इससे, ताकि आप फ्यूचर में, आप मतलब फ्यूचर मतलब इस वीडियो को देखने के बाद थोड़े अवेयर हो गए हो, और ये नॉलेज आप रखिए, और अगर आप किसी को जानते हैं तो उनको भी पास ऑन करिए। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक और अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और तब तक नमस्ते। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ प्लीज। थैंक यू।